हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद आथिस। तो दोस्तों, हम रेडी हो चुके हैं और आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन प्रेम मंदिर देखने। और रात के लगभग 10 बज चुके हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे एक दोस्त हैं जो प्रतापगढ़ के हैं, मिस्टर जिमी ब्लॉग करके उनका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो भी जा रहे हैं। हालांकि टिकट का व्यवस्था वही किए हैं, जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन है जो 11:10 पे है, तो उसी ट्रेन से हम और वो जिमी भाई, एक जन और हैं उनके साथ, एक दो फ्रेंड उनके हैं, तो हम लोग तीन चार लोग जा रहे हैं। तो पहले हम लोग जाएंगे मथुरा, फिर उसके बाद रिटर्न होते वक्त आगरा, तो ऐसे ही घूमते हुए फिर रिटर्न होंगे। तो अब तैयार हो चुके हैं और निकलते हैं, क्योंकि प्रयागराज जंक्शन पे 11:10 पे आ जाएगा ट्रेन। तो चलते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं। फ्रेंड, तो अब हम जंक्शन पे पहुंच गए हैं, प्रयागराज जंक्शन, और यहाँ पर लिखा हुआ है जयपुर, जो मेरा ट्रेन है जयपुर एक्सप्रेस, वो प्लेटफार्म नंबर 1 पे खड़ा हुआ है। तो अब चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पे। उसके पहले आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं जंक्शन, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा सजावट हुई है, तो इसको आप दिखाते हैं अभी। ये देखिए, ये देखिए जंक्शन का सजावट हुआ है। तो फ्रेंड, अब चलते हैं अंदर। फ्रेंड, अब हम पहुँच चुके हैं। ये हैं जिमी भाई, इनके बारे में बताया था, तो यही सब प्लान किए हैं, मैं इनके साथ जा रहा हूँ, मेरा कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अब हम बैठ गए हैं, सीट लेके रखे थे, कहने का मतलब टिकट वाला प्रॉब्लम यही सॉल्व कर रहे हैं। अब चलते हैं सीधा वहाँ पर, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत भीड़ है, श्रद्धालु लोग बहुत लोग हैं। तो गाइस, पूरी रात हम लोगों ने सफ़र किया और ये सुबह 5 बजे का दृश्य है, जो इस तरह से दिखाई दे रहा है ट्रेन से। और हम पहुंचने वाले हैं आगरा। फाइनली पहुंच चुके हैं आगरा और हमारे दोस्त इस समय रेड फोर्ट लिवा खिंचा रहे हैं। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये है स्टेशन आगरा कैंट, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा रेड फोर्ट। अब वहाँ पर चलते हैं, वहाँ का आपको दृश्य दिखाते हैं। चलते हैं दोस्तों। पहुँच चुके हैं आगरा के किला के पास, और अभी हैं सुलभ शौचालय में, तो अभी फ्रेश हो रहे हैं। और यहाँ देखिए पीछे वो किला दिख रहा है, अभी हम वहाँ पे जा करके वहाँ से व्यू आपको दिखाते हैं। धूप होने की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है और कैमरा भी ठीक नहीं है, मोबाइल का ही कैमरा है। तो अभी फ्रेश होने के बाद तो चलते हैं किले में और आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हैं। हम पहुँच चुके हैं लाल किला गेट के पास, और यहाँ पर क्लॉक रूम है जहाँ पर लोग अपना बैग वगैरह रखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत भीड़ है। ये बैग रखने के लिए कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। ये क्लॉक रूम है, यहाँ पर यही लिखा है मानती घर, यहाँ पर अपने सामान को रख सकते हैं। और ये बगल में ही ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, गार्डन टाइप में है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लाल किला का भाग, जो मैं अब आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है गेट के पास, कि आप सबको पता है कि 15 अगस्त 2 दिन में ही है, और इसके उपलक्ष्य में, अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, यहाँ पर मतलब अंदर जाने के लिए सब फ्री है। जो टिकट लगता था वो टिकट बंद हो गया है, अब नहीं लग रहा है 15 अगस्त तक। और ताजमहल का भी यही हाल है, वहाँ पर भी लोग बता रहे हैं कि इस समय टिकट नहीं लग रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी बहुत लंबी लाइन है, मैं आपको कुछ समय में दिखा रहा हूँ अभी बैग जमा करने के बाद। तो फिर आप लोग देखते रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे की सीन।
किले का मुख्य द्वार है जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक किले का अंदर का सीन है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बाहर का जो सीन था वो दिखाने नहीं दिए क्योंकि इतना भीड़ था तो दिखा नहीं पाया। देखिए अंदर का सीन। साइड में कुछ इस तरह से बना हुआ है और लोग वहाँ से आ रहे हैं, आगे चल के हम देखते हैं वहाँ पर क्या है। और कुछ इस साइड में इस तरह से है, हालांकि किला ही है और किला के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं क्योंकि हम इतिहास पढ़े नहीं हैं। और मुझे बस इतना पता है कि अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किले को किला का निर्माण करवाते थे लोग, राजा लोग। तो फ्रेंड यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ हम यूरोपियन को भी देखा, अंग्रेज़ों को भी, और यहाँ पर ये हमारे भैया जयपुर से आए हुए हैं। और ये हमारे भैया हैं जो जयपुर से आए हुए हैं। हेलो गाइस। और यहाँ पर बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे आपको, पंजाबी भी लोग मिल जाएंगे देखने को यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर कभी आइए आप लोग घूमने, हालांकि दोपहर में मत आइएगा क्योंकि दोपहर में हम आकर के पछता रहे हैं। और शाम को आइए या सुबह आइए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा ये सब किला देख कर के। जो हम लोग प्रयागराज में देखते हैं उससे बहुत अलग है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा देखने के लिए। अब चलते हैं और आगे और अंदर देखते हैं और क्या है जो दिखाने के लायक है। ये जो है जहांगीर स्नान कुंड है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखा दें ये पर। और इसे जहांगीर स्नान कुंड कहते हैं। चलते हैं और आगे और अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को और अच्छे से। किला के पास से ही आपको यमुना नदी और ताजमहल का दृश्य दिखाई देगा कुछ इस तरह से, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड ये जो पीछे देख रहे हैं ये शीश महल है, ये जो है आप जो देख रहे हैं ये शीश महल है। इसे शाहजहां ने बनवाया था और इसमें दो फवारे भी लगे हुए हैं और एक झरना भी है। फवारे जो थे बंद हैं, जिसे मैं दिखा दूंगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो देखने के लायक नहीं है इस समय। और झरना जो है वो शायद बंद है इसलिए मैं नहीं दिखा पाया। तो इसे गर्मियों में खुद को ठंडा प्रदान करने के लिए, उस समय तो एसी नहीं थी ना, खुद को गर्मी से बचाने के लिए उन्होंने शीश महल बनवाया था। तो यही ये है शीश महल जो आप लोग देख रहे हैं। तो एक फवारा बीच में है, उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे इस तरह से घास वगैरह है, एक फवारा यहाँ पर है और वहाँ पर है, वो जो सामने है वहाँ पर एक फवारा है। तो फवारा देखने के लायक नहीं था क्योंकि बंद है, पानी भी नहीं है और चलता भी नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नहीं दिखाया। अब चलते हैं और आगे। आप फ्रेंड ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये सारे ये शीश महल का ही पार्ट है। और यहाँ पर जो है कि एक गार्डन टाइप का है। और जितना मैं यहाँ पर घूमा लाल किला में, सबसे बेस्ट मुझे यहीं पे लगा क्योंकि यहाँ पर हरियाली भी है और जो यहाँ पर बने हुए हैं बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। और यहाँ पर जैसे कि जो कैंप करते हैं कॉलेज के लड़के, तो यहाँ पर उसे बताया जाता है, सारे बोर्ड वगैरह रखे हुए हैं यहाँ से वहाँ तक, तो उनके लिए है ये। और यहाँ उनके साथ टीचर भी आए हुए हैं कुछ। और तो ऐसा ही है लाल किला जो आगरा का है, तो आप लोग देख ही रहे हैं। और इसके बाद हम चलेंगे
ताजमहल देखने शाम को, तो आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके आगे जो सीन है, जो पार्ट बचा हुआ है उसे दिखाने के लिए। और यहाँ का कुछ पार्ट ऐसा है जो उसे बंद कर दिए हैं, देखने नहीं देते हैं, तो मैं उसे तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो वहाँ पर किसी को जाना अलाउ नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों और आगे। फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं इधर बैरियर लगा हुआ है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते, वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, घास पे चलना मना है। और ये किस मकसद से बनाया गया है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और वहाँ पर इसलिए इतना भीड़ लगी है क्योंकि वहाँ पर पीने का पानी है और यहाँ पे सुविधा है पीने के लिए, तो पानी रखा गया है। और एक फवारा यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर चलते हैं फवारे के पास और फवारा दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। यहाँ पे जो पीछे दिख रहा है यह एक कुआं है, बावली है, जो बावली लिखा गया है और इंग्लिश में वेल लिखा गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कुआं ही होगा। तो और आगे चलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था फवारा है एक यहाँ पर, तो फवारा दिखाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर एक तोप भी है, देखिए ये फवारा यहाँ पर है। तो और ये रहा यहाँ का सीन, कुछ ये कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहे हैं, कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आग उजला हो उसके वजह से कुछ काला पड़ जाए, उस तरह से पूरा यहाँ पर सीन है। लेकिन ऐसा सोच सकते हैं कि जब ये पूरा वाइट रहा होगा तो देखने में कितना अद्भुत लग रहा होगा, कितना सुंदर लग रहा होगा। तो बहुत ही अच्छा है ये, तो जितना मैं तारीफ करूँ उतना कम है क्योंकि मैंने ऐसा पहली बार देखा है। जब आप सोच सकते हैं जब आगरा का किला इस तरह से है तो दिल्ली का किला किस तरह से होगा। तो आप लोग कभी ज़रूर जाइए घूमने और ज़रूर देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो गाइस यहाँ पर बच्चों के लिए, शिशु के लिए एक चिकित्सा बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ इधर कुछ बुक्स हैं जो बेची जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि अजंता की गुफाएँ, एलोरा की गुफाएँ, ये लाल किला, इन हिस्टोरिकल बुक्स हैं जो कि यहाँ पर बेची जा रही हैं। और यहाँ पर हॉस्पिटल है, एक छोटा सा क्लिनिक कह सकते हैं बच्चों के लिए, तो ऐसा सुविधा यहाँ पर है। चलते हैं आगे। फ्रेंड यहाँ पर जो भी दिखाने के लायक था, जो मुझे देखने में अच्छा लगा, मुझे लगा कि नहीं आपको दिखाना चाहिए, तो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अब चलते हैं बाहर सीधा। और जो हमारे दोस्त हैं वो कहीं अभी गुम हैं यहीं पे, अभी वो कॉल करेंगे तो उन्हें हम बताएंगे कि हम बाहर ही हैं जहाँ पर बैग जमा हुआ है। तो वहीं पे चलते हैं दोस्तों और उसके बाद उनका इंतज़ार करते हैं अपने दोस्तों का। हे गाइस, लाल किला देखा आप लोगों ने, आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। तो गाइस अगले ब्लॉग में मैं ताजमहल का सीन दिखाया हूँ, आप उसे ज़रूर देखिए और उसे भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो ये वाला वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।